अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चीज़ी रेड सॉस पास्ता की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। सिंपली आपको मेरे स्टेप्स फॉलो करने हैं और आप देखेंगे आपका पास्ता होटल से भी ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी हो गया है। सबसे पहले एक पैन में पानी लेंगे और उसे ऑयल और नमक के साथ उसे अच्छे से बॉयल होने देंगे, और उसके बाद जब इसमें बॉयल आ जाएगा फिर हम अपना पास्ता ऐड करेंगे उसमें। यहाँ पर मैंने पेनी पास्ता लिया है। जब पास्ता बॉईल होने लग जाएगा उसी दरमियान हम 4 बड़े साइज के टमाटर में ऐसे क्रिस क्रॉस कर लेंगे। अब इसे साइड में रख देंगे और चेक करेंगे कि पास्ता रेडी हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी में पास्ता का जो पानी है वो निकाल के रख लिया है, और मैं आपको बाद में बताऊंगी इस पानी का क्या करना है। पास्ता हमारा गल चुका है। 10 से 12 मिनट लगे थे इस पास्ता को बॉईल होने में। यहाँ पर मैंने दोबारा से पानी चढ़ाया है और अब इसमें हम टमाटरों को बॉईल करेंगे। क्रिस क्रॉस करने से ये होता है कि जब टमाटर बॉईल और सॉफ्ट हो जाता है तो इसका जो छिलका है उसे हम पील कर लेंगे और इसको मिक्सर ग्राइंडर में अच्छा पेस्ट बना लेंगे। टमाटर बॉईल हो चुके हैं, अब हम इसका छिलका उतार कर इसको पीस लेंगे। अब एक पैन लेंगे, उसमें यहाँ अराउंड 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है। इसमें 1 मीडियम साइज की प्याज चॉप करी हुई ऐड करी है। अब इसको ट्रांसलूसेंट होने तक के इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें हम लहसुन ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 8-10 लहसुन की कलियाँ ली थी, उसको बारीक चॉप करी थी, और इसको अब इसको ब्राउन गोल्डन करेंगे। अब ये हल्का कलर चेंज कर चुका है। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं। अब इस पॉइंट पर हम टमाटर प्यूरी ऐड करेंगे। अब टमाटर का कच्चापन खत्म होने तक हम इसको अच्छे से भुनाई करेंगे इसकी। यहाँ 2 मिनट के लिए मैंने लिड लगा कर रखा था। अब इसका पानी आधा खत्म हो चुका है, इसको अच्छे से चम्मच चलाएंगे। पास्ता बॉईल होते टाइम जो हमने पानी बचा के रखा था अब हम इसमें वो ऐड करेंगे। इसको ऐड करने से ग्रेवी में गाढ़ापन आता है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने हिसाब से ऐड करिएगा। अब इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर जाएगा, ओरिगैनो डाला है और चिली फ्लेक्स ऐड करा है। 1 टीस्पून केचप ऐड करा है और मैंने यहाँ पे चीज ऐड करा है। आप चाहे तो कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मोज़रेला लिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप इसमें चीज़ डालेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया बनकर रेडी होती है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी क्रीम चीज़ भी ऐड करी है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारी सॉस बन के रेडी हो चुकी है। अब पास्ता को सब सॉस में अच्छे से कोट कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा और स्पाइसी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स और ग्रीन चिलीज भी ऐड करी हैं। इससे जो है पास्ता का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसको और ज्यादा चीजी बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा और चीज ऐड करा है, और इसको मेल्ट होने तक हम इसको थोड़ा देर लेट लगा के रखेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो बिना चीज के भी रेड सॉस पास्ता बना सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर बहुत ही चीजी रेड सॉस पास्ता बनाना था, इसलिए यहाँ पर मैंने चीज का यूज किया है। आप टेस्ट करके देख लें, आपको जो भी कमी लग रही हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा और चिली फ्लेक्स ऐड करा है, और यहाँ मैं मेयोनीज भी ऐड करूंगी। मेयोनीज ऐड करने से थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर आता है। इसको एक अच्छा सा मिक्स देंगे।
और हमारा क्रीमी चीज़ी रेड सॉस पास्ता बनकर रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग नूर्स किचन।